जुमे के रोज जिस सात दुआ मकबूल होती है वो कितनी देर रहती है। सईदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने जुमे के दिन का जिक्र किया तो फरमाया इसमें एक सात ऐसी है कि उसको जो मुसलमान बंदा पाले और वो खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हो और अल्लाह ताला से कुछ मांगे तो अल्लाह ताला उसको वो चीज जरूर देगा। और आपने अपने हाथ से उस सात की कमी बयान करने के लिए इशारा फरमाया, यानी जुमे के दिन अल्लाह से दुआ जरूर करनी चाहिए एक साथ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जुमे के दिन की एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं और ये सात मुख्तसर होती है। तो जुमे के दिन कबूलियत की घड़ी में दुआएं करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो घड़ी ढूंढो जिसकी उम्मीद है जुमे के दिन में असर के बाद आफ्ताब डूबने तक है, यानी असर से लेके सूरज गुरूब होने तक वो घड़ी है। लेकिन सिर्फ यही घड़ी नहीं, दिन में किसी भी वक्त ये घड़ी आ सकती है। मुख्तलिफ रिवायात से हमें मुख्तलिफ चीजें मिलती हैं। तिर्मिजी की 489 नंबर रिवायत। तो जुमे के दिन कबूलियत का वक्त कौन सा होता है, एक घड़ी की बात है। ये फतुल बारी में भी रिवायत है। हाफिज इब्ने हजर ने 40 अकवाल नकल किए हैं कि ये घड़ी कौन सी हो सकती है, यानी मुख्तलिफ अकवाल में मुख्तलिफ बातें हमें मिलती हैं। लेकिन अबू हुरैरा की रिवायत से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के जिक्र में एक दफा फरमाया कि उस दिन एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें अगर कोई मुसलमान बंदा खड़ा नमाज पढ़ रहा हो और कोई चीज अल्लाह पाक से मांगे तो अल्लाह पाक उसे वो चीज जरूर देता। हाथ के इशारे से आपने बताया कि वो सात बहुत थोड़ी है।